आचार्य श्री भद्रबाहु महाराज की जय। मैं अर्घ चढ़ाऊं सरस्वती के पुत्र को, तो पद अनर्घ नाथ अपने इस सुपुत्र को। गुरु भद्र बाहु भद्रता प्रदान कीजिए, हे पांच विश्व के विशिष्ट ज्ञान दीजिए। जय 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 गुरुदेव की, जय हो जय गुरुदेव की। ओम ह्रूम नवग्रह शांति स्तोत्र करता अंतिम के लिए आचार्य भद्रबाहु महामहाराज चरणेभ्यो अनर्घ प्राप्ते अर्घ निप्राप्ते स्वाहा। धर्म स्नेही महान भावों, आप सभी नवग्रह शांति महामंडल विधान का आनंद ले रहे हैं। ये आध्यात्मिक आनंद है। नवग्रह शांति विधान नवरात्रि में नौ तीर्थंकर भगवान की आराधना करते हुए आप सभी कर रहे हैं। नौ तीर्थंकर भगवान, सूर्य के लिए भगवान पद्म प्रभु जी, चंद्र के लिए भगवान चंद्र प्रभु जी, मंगल के लिए श्रीवासपतिनाथ भगवान, बुध के लिए भगवान शांतिनाथ जी, गुरु ग्रह के लिए आदिनाथ जी, शुक्र के लिए भगवान पुरुषोदंत जी, शनि के लिए मुनिसनाथ भगवान जी, राहु के लिए नेमिनाथ भगवान जी, केतु के लिए पार्श्वनाथ भगवान जी और चौबीस तक्र भगवान, इनकी आराधना की जाती है। हमारे आचार्य कहते हैं भुक्ति मुक्ति दातार चौबीसों जिन राजवर, तिन पद मन बच धार जो पूजे सो शिव लहे। भुक्ति मुक्ति दातार चौबीसों जिन राजवर, चौबीस शंकर भगवान भुक्ति और मुक्ति के देने वाले हैं। चारों पुरुषार्थ इसमें आ गए। भुक्ति का मतलब है आपका धर्म पुरुषार्थ, अर्थ पुरुषार्थ और काम पुरुषार्थ, अर्थ और काम आ गया भुक्ति में, और मुक्ति में धर्म और मोक्ष पुरुषार्थ। तो आपके चारों पुरुषार्थ की सिद्धि यदि होगी तो भगवान की भक्ति से होगी। सम्यक दर्शन की प्राप्ति, रत्न त्रय की प्राप्ति, विघ्नों का निवारण, संकट का परिहार, उपद्रव का शांत होना, ये सब कुछ यदि होगा तो ये जिन भक्ति से होगा। इसलिए आचार्य कहते हैं विघ्नोघा प्रलय यान्ति शाकिनी भूतपन्नगः विषम निर्विशताम याति स्तूयमाने जिनेश परे। विघ्नोघा प्रलय यान्ति, विघ्नों का समूह प्रलय का प्राप्त हो जाए। शाकिनी भूतपन्नगः, शाकिनी भूतपन्नगः सब शांत हो जाएंगे। विषम निर्विशताम यान्ति, विष निर्विश हो जाएगा। कब होगा? स्तूय माने जिनेश परे, जब आप भगवान की स्तुति करेंगे उससे आपके सारे विघ्न दूर हो। अभी अपने भगवान नेमिनाथ की आराधना की, अचानक जो हमले होते हैं, अचानक दुर्घटनाएं घटती हैं, कभी अचानक एक्सीडेंट हो गया, कभी अचानक आग लग गई, अचानक रेड पड़ गई, इनकम टैक्स वाले आ गए, सेल टैक्स वाले आ गए, डाकू आ गए, चोर आ गए, ये जो उपद्रव है ये राहु की प्रतिकूलता से आते हैं। और राहु अनुकूल हो जाए तो अचानक लाभ मिलता है, अचानक लाभ मिलता है, पर व्यक्ति समझ नहीं पाता है कैसे अचानक लाभ मिलता है। ध्यान रखना, जैन सिद्धांत कहता है कि यदि आपको अच्छा मिल रहा है तो उसका मूल कारण आपका पुण्य है, और यदि आपको बुरा मिल रहा है, आपके साथ अशुभ घट रहा है, तो उसका मूल कारण आपका पाप कर्म का होता है। अपने ही कर्मों का फल शुभ अशुभ रूप में हम अपने कर्मों का फल प्राप्त करते। ध्यान रखना, आप हमेशा गलती करते रहो, अकेले भगवान का नाम ले लो तो आपके कष्ट मिट जाए, ऐसा नहीं है। आपको अच्छा बनना होगा। आपको यदि विघ्नों का नाश करना है तो कहते हैं विघ्न नाम नाशनम दानम, विघ्नों का नाश दान से होगा। जो अपने द्रव्य का दान, अपनी संपत्ति का दान धर्म पुरुषार्थ में लगाता है, मोक्ष पुरुषार्थ में लगाता है, मंदिर के निर्माण में लगाता है, तीर्थ के विकास में लगाता है, जन कल्याण में लगाता है, शिक्षा में लगाता है, गौ सेवा में लगाता है, औषध दान में लगाता है और समाज कल्याण में लगाता है, उसको ही आगे जाकर उत्तम से उत्तम द्रव्य के लाभ होते हैं। और जो देना ही नहीं जानता है, दान ही नहीं कर सकता है, उसके पास में आया गया सुयोग भी हाथ से चला जाता है। एक भिखारी था, बहुत गरीब था, बहुत परेशान था। परेशानी इस बात की, सुबह से लेकर शाम तक कटोरा लेकर के जाता, पात्र लेकर जाता, भिक्षाम देही बोलता जाता,
पर कभी सुबह मिलता कभी नहीं मिलता, कभी दोपहर मिलता नहीं मिलता, कभी शाम मिलता मिलता, कभी नहीं मिलता, कभी तीन तीन चार चार दिन निकल जाते पर नहीं भरता। कहीं से सम्मान से मिल जाता, कोई प्रेम से देता, कोई धुतकारता फटकारता। एक दिन भिखारी के मन में आया कि आखिर कब तक रोज रोज मांगता बैठूं। एक विद्वान के पास गया, निमित्तिक के पास में गया और निमित्तिक के पास जाकर के बोला, क्या मेरी गरीबी कभी मिट सकती है? भीख ही मांगता रहूंगा या कभी मुझे मतलब लाभ भी मिल सकता है? विद्वान ने कहा, ये आ गया मंगल मुहूर्त विजयदशमी, ये सिद्ध मुहूर्त है, घवाड़ योग है। इस मुहूर्त में तुम प्रातःकाल निकलो, तुम्हारे साथ में जो घटे उस सुअवसर का लाभ उठा लेना। कंचनम्मा सुअवसर का लाभ उठा लिया तो तुम उस दिन मालामाल हो जाओ। सावधान रहना संदीप भाई, अवसर का लाभ उठा लो, सावचेत रहो। बस इतना बताया संकेत में, बाकी और नहीं बताया। भिखारी तैयार, विजयदशमी का मुहूर्त, घवाड़ योग, सुबह से तैयार, रोज निकलता था 9 बजे पर आज सबेरे सबेरे ब्रह्म मुहूर्त में बराबर 5:30 बजे घर से निकलने की तैयारी, झोला लेकर तैयार। पर झोला लेकर जाने के समय ध्यान में आया कि भाई खाली हाथ झोला लेकर नहीं जाना है ना, क्यों अम्मा, खाली हाथ नहीं जाना, कुछ ना कुछ झोले में होना चाहिए। जैसे आप कहीं कोई डोनेशन लेने जा रहे हैं तो 2-4 पर्चियां तो पहले ही अपनी फाड़ लेते हैं अपने नाम से कि भाई इसने हमारे इसने इतना दिया, आप क्या दे रहे। तो उस बंदे ने एक मुट्ठी चावल उसने झोले के अंदर रख ली और मनु विचार आया कि घवाड़ योग है, त्रिष्ट मुहूर्त है, तो ऐसे मुहूर्त में तो आज किसी से नहीं मांगना है, सीधे राजा के पास जाना। राजा के पास जाएंगे, जाकर उससे मिलेंगे और राजा कहेंगे आज मेरी गरीबी सारी दूर करो, और कहीं नहीं जाना, राजा के पास। ये सोच करके वो चल पड़ा। कुछ कदम एक आधा किलोमीटर आगे गया था कि इतने में देखता है, अरे क्या विद्वान है, क्या पंडित है, क्या मुहूर्त उसने दिया है कि आज के मुहूर्त में, घवाड़ मुहूर्त में, विजयदशमी के मुहूर्त में मैं जिस राजा के पास में जा रहा था वो राजा तो मेरे सामने ही आ रहा है। राजा रथ लेकर के सामने स्वयं चला आ रहा है। ले क्या मुहूर्त है आज, बहुत गजब। राजमहल में जा रहा था, राजा के पास जा रहा था, लोग बीच मिलते कहीं बाधा आती, लेकिन देखो क्या योग क्या भाग्य है कि स्वयं राजा मेरे पास चल करके आ रहा है, आज तो मेरे भाग्य खुलने वाले। बाबा जी सावधान रहना, भाग्य खुलने वाले हैं आपके, चूक मत जाना। राजा भिखारी के सामने आ रहा है, भिखारी राजा के पास में जा रहा है और इतने में राजा का रथ सामने आया। भिखारी कुछ कहे उसके पहले सामने मुश्किल से 4 कदम पर राजा का रथ रुक गया। बोले वाह क्या बात है, मैं राजा को रोकूं बुलाऊं उसके पर राजा स्वयं रुक गया, क्या बात है। अब राजा रथ से नीचे उतरा, वाह लगता है कि लक्ष्मी देवी ने सपन में राजा कुछ ना कुछ कहा है मेरे लिए। राजा भिखारी के सामने आया, भिखारी को लग रहा सपना तो नहीं आ रहा है, तो राजा है सामने। तो राजा से भिखारी कुछ मांगे, कुछ कहे, कुछ बोले, इसके पहले राजा ने एक स्वर्ण पात्र, एक सोने का कटोरा भिखारी के सामने कर दिया, भिक्षा में दी। राजा भिखारी से मांग रहा है भिक्षाम देही। भिखारी को चक्कर आ गया,
कि मैं तो राजा से मांगने चल रहा था बोलने व्यर्थ, पर राजा मुझसे मांग रहा है। अब राजा मांग रहा है तो मना तो कर नहीं सकता, क्या करूं। उसने थैले में हाथ डाला, ज्यादा कुछ तो था नहीं, एक मुट्ठी चावल थे, पर जिसने कभी दिया नहीं वो देना क्या जाने, और जिसने कभी लिया नहीं वो लेना क्या जाने। राजा भी अपना नेक पूरा करने आया था। राजा के समक्ष राजा को रात में स्वप्न आया कि स्वप्न में एक देवी उसके राज्य से निकल के जा रही है। देखो चुक मत जाना। तो राजा को स्वप्न आया एक देवी जा रही है, स्वप्न में ही राजा ने देवी से पूछा कि देवी तू कौन है। बोले मैं तुम्हारी भाग्य लक्ष्मी हूं। तू कहां जा रही है? बोले तुम्हारा राज छोड़ के जा रही हूं। क्यों? तुम्हारा समय पूरा हो गया, मैं लक्ष्मी हूं, रुकोगी नहीं? राजा ने पूछा रुकोगी नहीं रुकोगी? तो उसने कहा कि रोक कर देखो, प्रयास करो। पास में बुलाया, कहा भाई ऐसा सपना आया है, क्या है? बोले पुरोहित ने कहा हमारा सपना तो सच है, फल देगा। फिर बोले आप भी उपाय कीजिए। बोले क्या उपाय करना? बोले ये विजयदशमी का मुहूर्त, घबराइए हो इस मुहूर्त में आप जाइए और आप अपना स्वर्ण पात्र लेकर के जाइए, और सबसे पहले जो आपको मिल जाए उससे आप भिक्षा ले लीजिए, ला करके आपके तिजोरी में रख दीजिए, उसके बाद आपकी लक्ष्मी शाश्वत हो जाएगी। तो राजा भी लेने निकला, भिखारी भी निकला। भिखारी मांगे उससे, राजा ने मांग लिया भिक्षाम दे ही। अब भिखारी क्या करे, मुट्ठी भरी, हाथ डाला, चावल उठाए, पर चावल आए तो आए, देना जानते ही नहीं वो। तो उसने उठाया लेकिन इसके हाथ कांपते रहे, और कांपते कांपते उसने चावल के दो दाने कटोरी में डाल दिए, स्वर्ण पात्र दो दाने। राजा ने कोई प्रकार से संकोच नहीं किया, नाराज नहीं हुआ, गुस्सा नहीं हुआ। जो उसको मिला उसने तुरंत उसको उस पात्र को बंद किया, भिखारी को धन्यवाद दिया, भाई धन्यवाद, और धन्यवाद देकर के राजा उल्टे लौट गया, रथ में बैठा और गया। भिखारी देखता रह गया, बोले कैसा मुहूर्त है, मैं तो राजा से मांगने जा रहा था और मेरे और चले गए। ये सारी प्रक्रिया सामने नगर सेठानी देख रही थी कि ये जो भिखारी रोज मेरे पास में आता है, आकर के भीख मांगता है, और मैं कई बार इसको धुतकार देती भगा देती हूं, पर यहां तो राजा इससे आके मिल रहा है, मतलब ये राजा का आदमी है, और मैं इसके साथ दुर्व्यवहार करती हूं तो कहीं मेरी गड़बड़ ना हो जाए। सेठानी ने भिखारी को देखा, भिखारी ने देखा कि राजा तो चला गया, अब क्या करूं। उसको सेठानी दिखाई दी, कोई सेठानी सामने, चलो भाई मुहूर्त तो करो। सेठानी के पास में गया, कहा भिक्षाम दे। सेठानी ने जो भगाती थी, दुत्कारती थी, कभी कुछ देती थी कभी नहीं देती थी, आज उसने उस भिखारी का एक साथ पूरा झोला भर दिया, पूरा झोला बढ़िया उत्तम कीमती बासमती चावल से पूरा भर गया। सुबह निकलता था, शाम होती थी, कई भरता कभी नहीं भरता था, आज पूरा का पूरा भर गया। लेकिन भरने के बाद भी भिखारी का चेहरा उतर गया। क्यों उतर गया? मेरे दो दाने चले गए। संदीप भाई, दो दाने चलेगा उसका दुख हो रहा है, उसको छेदा भर गया उसका सुख नहीं है, उसको क्या करे। अब थैला तो भर गया, टारगेट पूरा हो गया, वापस घर की ओर लौट पड़े। घर गए तो घर आते देख करके घरवाली बड़ी प्रसन्न, बोले रोज तो सुबह जाते शाम को आते, आज तो आधे घंटे में आ गए, थैला पूरा भरा हुआ है लेकिन चेहरा उतरा हुआ है, बात समझ में नहीं आ रही। बोले क्या हुआ, भीख मिल गई? बोले हाँ, आज तो जल्दी आ गए पर चेहरा क्यों उतरा हुआ है? कुछ बोला नहीं,
बस थैला उठाया और ले जाकर घर के अंदर में उसको थैले को ऐसे रख दिया, पटक दिया। जैसे थैले को पटका बोले क्या बात है, थैला भरा है पर चेहरा उतरा है, बात क्या है। और जो थैला पलटा, पलटने पर उसमें से चावल गिरे, उस चावल के बीच में जब चावल के ढेर को देखा तो ढेर को देख करके भिखारी अब जोर जोर से रो पड़ा। भिखारी परेशान, घरवाली परेशान, भी बात क्या है, थैला भर गया, झोला भर गया, पर रो क्यों रहे, पहले तो उदास थे अब तो रो रहे हो, क्या बात है। भिखारी ने कहा सुनना बड़ी माते वाली बात है, आपको चक्रवर्ती बनाने वाली बात है, आपको तीर्थंकर यदि बनना है, आपको सिद्ध बनना है, आपको अरहंत बनना है, आपको महादानी बनना है, आपको पुण्यात बनना है, तो इस बात पर ध्यान दे। भिखारी ने अपनी पत्नी से कहा कि पहले मैं किसी और कारण से रो रहा था पर अभी मैं किसी और कारण से रो रहा हूं। बोले क्या कारण, पूरी घटना बताई और कहा कि मैं आज इस घवाड़ योग में राजा के पास निकला था, मुझे विद्वान ने समझाया था, बताया था कि आज के मुहूर्त का लाभ उठा लेना, मुहूर्त मेरे सामने आया, अवसर मेरे सामने आया, पर मैं उस मुहूर्त का लाभ नहीं उठा पाया। क्यों? बोले भिखारी, राजा मेरे सामने आए थे, उस मुहूर्त में मेरे पास तो मुट्ठी भर चावल ही थे, पर मैंने मुट्ठी भर चावल उसके हाथ में नहीं दिए, मैंने मात्र चावल के दो दाने उसके हाथ में दिए, तो सेठानी ने तो पूरा का पूरा चावल भरा था, लेकिन ये चावल के दो दानों में, चावल के ढेर में दो दाने हीरे के बन गए, रत्न के बन गए, मुझे दुख हो रहा है कि दो दाने दिए तो दो हीरे मिले, यदि मुट्ठी भर के दिया होता तो पूरा थैला ही आज रत्नों से भर जाता, मेरी गरीबी आज दूर हो जाती। हमेशा ध्यान रखें, बड़ा अनमोल अवसर आपके समक्ष आता है। जीवन का उत्थान यदि होता है, विघ्नों का नाश यदि होता है, तो विघ्ना नाम नाशनम दान, विघ्नों का नाश दान से होता है, भगवान की भक्ति से होता है। मैंने कल भी कहा था कि सीता सती पर उपसर्ग आया, सीता सती पर अपवाद अपशकुन हुए, लांछन हुए, तो उन्होंने मुनिराज को पूछा, तो मुनिराज ने कहा दान पूजा विषय का तपस्या से, दान पूजा अभिषेक से ही तपस्या से अशुभ का नाश कर सकते हो। अंजना सती हो, श्रीपाल हो, जो भी हो, जिन पर भी संकट आए, मुनिराज ने बताया कि भगवान की भक्ति करो, अभिषेक करो, पूजन करो, आहार दान दो, तीर्थों का निर्माण करो, जीर्णोद्धार करो, इससे तुम्हारे जीवन का उत्थान। तीर्थंकर कौन बनता है, जो सोलाकरण भावना का चिंतन करता है? तीर्थंकर कौन बनता है, जो तीर्थों का जीर्णोद्धार कराता है? तीर्थंकर कौन बनता है, जो तीर्थों का निर्माण कराता है? वो तीर्थंकर बनता है। ऐसा महान फल मिलता है। तो आप सभी महान भाव जो यहाँ पर आए हैं, सुन रहे हैं, लाभ ले रहे हैं, इस घटना को ध्यान रखना। अवसर आपके समक्ष आता है, यदि अवसर चूका तो भव भव पछताएगा, यदि अवसर चूका तो भव भव पछताएगा। कब तक पछताएगा? अनगिनती जन्मों में, भव भव जन्मों में। तो यदि अवसर मिला है उसका लाभ लीजिए। आपके समक्ष अवसर आया है, भक्ति करके पुण्य संचय कीजिए। जब भी अवसर आता है, कोई हमारे समक्ष आता है, कोई पुण्य अवसर देना चाहता है, शक्ति है, शक्ति अनुसार करते जाइए। विघ्नों के नाश के लिए गरीबी मिटाना है, संकट को मिटाना है, उपद्रव को मिटाना है, तो भगवान की भक्ति, अभिषेक, पूजन विधान करते रहिए। कल भगवान पार्श्वनाथ की आराधना होगी, केतु ग्रह अरिष्ट निवारण की भगवान पार्श्वनाथ की आराधना होगी। केतु अरिष्ट यदि है, काल सर्प दोष है, भगवान निमिनाथ की आराधना कीजिए, भगवान पार्श्वनाथ की आराधना कीजिए। काल सर्प या कोई भी पाप आपके पास में नहीं आए, चिंतामणि की आराधना कीजिए, आपकी चिंताएं मिट जाएंगी। भगवान की भक्ति कीजिए, आपके सारे विघ्न दूर हो जाएंगे। तो कल भगवान पार्श्वनाथ की आराधना होगी, आप उसमें जुड़ करके पुण्य संचय करें। पूरे नवरात्रि के अंदर नवग्रह विधान में अनेक हमारे इंद्रों ने लाभ लिया है। आज के हमारे इंद्र बनकर के लाभ ले रहे संदीप जी कात्रीवाल से परिवार यहाँ पर आए हैं, उनको मेरा भावस्तर आशीर्वाद। और जो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, विकास दिन परिवार, गेंदमल जी दोषी परिवार, यश संजय रायवक्कर परिवार और अनेक परिवार जो पूरी नवरात्रि विधान करा रहे हैं, सब भक्तों को मेरा भावस्तर आशीर्वाद। कल भी आप पुण्य संचय करें। पर 24 तारीख को विजयदशमी को विजय मुहूर्त में विशेष हवन रहेगा, हवन में विश्वमुख हमारे मुख्य इंद्र रहेंगे, मनोज जी, कपूर चंद जी, काला परिवार सैफरान से, वो विशेष रूप से आने वाले हैं और सभी लोग लाभ ले रहे हैं। सबको मेरा भावस्तर आशीर्वाद। बोलो नवग्रह शांति महामंडल विधान की जय।